अपने सपनों के लिए आज अगर तू खड़ा नहीं होगा ना, तो फिर तेरे सपनों के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा मेरे भाई। ये टिकटॉक, रील्स, लड़की, पैसा, दारू सब वापस मिल जाएगा, लेकिन ये उम्र, ये लाइफ और ये सिचुएशन फिर से वापस नहीं मिलेगी। एक नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो भी फौज की। भाई इज्जत भी है, पैसा भी है, और मैं बता दूं देश के सम्मान के लिए खड़ा होने का मौका भी है। तो इस मौके को हाथ कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई एजेंसी, कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता जब तक आप खुद के लिए पागल ना हो। अगर आप खुद के लिए पागल हो, अपने सिलेक्शन के लिए पागल हो, अपने सपनों के लिए पागल हो, तो तुम्हारा नौकरी कंफर्म होगा मेरे भाई। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपकी। बार SSGD की 2024 की जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसमें तुम्हारा एक सीट रखा हुआ है, चाहे वो वैकेंसी। जय हिंद दोस्तों, SSC की न्यू वैकेंसी आ रही है। इसके फॉर्म अप्लाई नवंबर 2023 से स्टार्ट है। दिन दोस्तों इसके एग्जाम के लिए कितना टाइम है, ले देखे 5 महीने का टाइम हमारे पास है। इस 5 महीने में पूरा स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई करने से हम कंफर्म SSGD का एग्जाम क्लियर कर पाए और हमारा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। क्योंकि मेरे भाई अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कभी भी SSGD के सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आज मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूं, और ये टाइम टेबल हर 20 दिन में एक बार चेंज होगा, और ये टाइम धीरे धीरे दोस्तों टाइम टेबल हार्ड होते जाएगा। अभी मैं बहुत ईजी टाइम टेबल लेके आया हूँ, जिसकी नॉर्मल पढ़ाई करना है और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। जिन भाइयों का सिलेबस पहले से कंप्लीट है उनके लिए वीडियो नहीं है ये भाई, उन भाइयों के लिए जिनका आपकी बार SSGD में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए मेरिट नहीं बन पाया, जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमजोर है। मेरा नोट्स आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ इस बार दोस्तों। आपको GK GS रीजनिंग मैथ सारा इंपॉर्टेंट नोट्स सब कुछ दोस्तों मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा इस बार पूरा दोस्तों। आपके भाई आपके साथ है, फिर फिगर ही क्या बात है, आपका भाई है ना, ऐसे नहीं कोई जरूरत नहीं है। और सारा बुक्स वगैरह भी जो होगा ना, मैं PDF के फॉर्म में बना के आप सबको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराऊंगा। बस दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, और देन दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देन तो कमेंट्स में पिन कर दूंगा। सबसे पहले बात करें टाइम टेबल के बारे में। देखिए टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, और अगर आप जिद से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जिद पढ़ाई के लिए होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैं आज से ही आपको खुला बोल रहा हूँ, 8 घंटे का शेड्यूल मैं आपको बना के दे रहा हूँ। नॉर्मल शेड्यूल है, लेकिन इस शेड्यूल को आप मिनिमम 20 दिन तक, आज से आप चैलेंज लो 20 दिन का। इस शेड्यूल का सबसे पहले स्टार्टिंग करना है कैसे, तो देखिए सबसे पहले आपको सुबह उठना है कितना बजे, तो 5:30 में आपको सुबह सुबह उठना है, और दोस्तों 6 बजे तक क्या करना है, तो देन दोस्तों फ्रेश होना है, योगा प्राणायाम ये सब करना है। अगर आप योग फोक करोगे तो आपका माइंड थोड़ा शांत रहेगा। तो दोस्तों 5:30 से उठ के 6 बजे तक पूरा फ्रेश फ्रेश होके देन दोस्तों आपको पढ़ने बैठना है। 6 बजे से, 6 बजे से आप पढ़ने बैठे, 6 बजे से लेकर 8:30 तक सुबह सुबह याद रखिएगा आपका माइंड पूरा फ्रेश होता है। तो GK GS में अगर आप पढ़ोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जल्दी जल्दी आपको याद होगा। इसीलिए आपको GK GS सुबह सुबह पढ़ना है। GK GS मतलब समझ रहे हो, जनरल नॉलेज, ठीक है। और दोस्तों ये सब आपको पढ़ना बहुत जरूरी, तो GK GS आपको सुबह सुबह पढ़ना है, कब से, 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। उसके बाद आपको फ्रेश हो जाना है, छोड़ देना है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा घूमना फिरना है आराम से, और आपका फिर फ्री टाइम ले लेना है। फ्री टाइम पे कब से होगा, देखिए 8:30 से आपको पढ़ाई मस्त छोड़ छाड़ के आराम से नहा धोवा लिए, बाथरूम वाथरूम कर लिए, टॉयलेट सब कुछ करके फ्रेश हो गए, खाना वाना खा के, फिर दोस्तों आपको 8:10-15 तक मस्त से आप बैठे आराम किए। उसके बाद दोस्तों 10:30 से फिर से आपको पढ़ने बैठना है, और दोस्तों इसको मैंने सेशन 1 और सेशन 2 के हिसाब से दिया है। स्टार्ट होगा 10:30 से लेके 12:30 तक। इसमें दोस्तों क्या करना है, देखिए सुबह आपने GK GS पढ़ लिया, उसके बाद दोस्तों आपको रीजनिंग पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग कब से पढ़ना है, 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। और भैया ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं, पूरा फॉलो करना है इसको, आप फॉलो करो। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आपका भाई खुद 135 नंबर रखा था आपकी बार SSGD के एग्जाम में, आप 140 नंबर रखोगे। बस इस जिद से पढ़ाई करना कि हमें अब की बार नौकरी चाहिए, अपने माँ बाप का लटका हुआ चेहरे को देख के याद करना कि हमें इस बार नौकरी चाहिए। अपने जिद से भाई अब की बार तुम नौकरी पाओगे, और तुम्हें किसी का बाप नहीं रोक सकता, तुम्हारा भाई का ओपन चैलेंज है। बस मेहनत करने से पीछे मत हटना, जान लगा दो या फिर जान दो धीरे पर काम करना। तो मेरे भाई फालतू चीज़ पे दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, या तो आप पढ़ाई करो, और YouTube पे अगर आप देख रहे हो तो हिस्ट्री देखो, मुगल अंपायर दोस्तों, ठीक है ना, मुगल अंपायर के बारे में जानो, मौर्य काल, साम्राज्य काल, गुप्त काल, इन सब के बारे में जानो, कौन सा नृत्य कौन से स्टेट में फेमस है, ये सब YouTube पे सर्च करके ये सब पढ़ो। इससे क्या होता है, जब वीडियोस वगैरह के थ्रू देखते हो ना, तो आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा दोस्तों एब्जॉर्ब करता है, तो उसके थ्रू आप देखना शुरू कर दो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपने सब खा पी लिया मस्त, उसके बाद दोस्तों 2:30 तक आपको दोस्तों फ्रेश हो जाना है, उसके बाद आप फिर बैठोगे 2:30 से लेके 4:30 तक। अब यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए सुबह से आपने जो भी पढ़ा GK GS जो भी आपने पढ़ा उसको दोस्तों आपको रिवीजन करना है। GK GS हो गया या दोस्तों रीजनिंग हो गया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे आपको डाउट बैठ रहा हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उसका दोस्तों क्या करना है, तो उसका दोस्तों रिवीजन करना है। और रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, चाहे वैसे GD का एग्जाम हो, चाहे CPU का है, CGL को, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। 2:30 से लेके कब तक आपको रिवीजन करना है, 4:30 तक। 4:30 तक आपने पूरा रिवीजन कर लिया, सुबह से लेके आपने जो भी दोस्तों शाम तक पढ़ा रिवीजन कर लिया, देन दोस्तों उसके बाद आपको 4:30 से माइंड थोड़ा फ्रेश करने के लिए बाहर में घूमने जाना है, मोबाइल नहीं देखना है बैठ के, मोबाइल देखने से क्या माइंड खराब हो जाता है,
मोबाइल नहीं देखना, थोड़ा बाहर घूमने जाना है, माइंड वाइंड फ्रेश करना है। सुबह से आप दोस्तों पढ़ रहे हो, आपका माइंड थोड़ा मोड़ा टेंशन होगा, याद नहीं होगा। ऐसा अगर रोज करने लगोगे ना पागल हो जाओ। इसे थोड़ा घूमना है, बाहर जाना है, टहलना है, मोबाइल नहीं चलाना, टहलना है, थोड़ा सा घास फूस में चलना है खाली पैर में, देन दोस्तों फिर आपको रिटर्न आना है। रिटर्न कब आना है तो मेरे दोस्त, रिटर्न आपको आना है फिर से 6:10 में। 6:10 में आपको फिर से रिटर्न आके पढ़ने के लिए बैठ जाना है, और 6:10 से लेके 8:10 तक आपको खाली मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने। अब जिन बच्चों को नहीं आता है वो दोस्तों नंबर सिस्टम यूट्यूब पे सर्च करें, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कैसे होता है, सॉल्यूशन ले सब कुछ दोस्तों मतलब वहां से देखें और सीखें, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड यूट्यूब पे कंटेंट भरा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपये भी नहीं लगेगा। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है, बस दोस्तों पढ़ने वाले का इच्छा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 6:10 से लेके 8:10 तक दोस्तों आपको पढ़ाई करना है, वो भी मैथ। मैथ आपने पढ़ लिया, इसके बाद दोस्तों आपको रेस्ट नहीं लेना है। बस दोस्तों 10-20 मिनट आपने रेस्ट लिया, 8:30 से फिर बैठे पढ़ने बैठे, और 8:30 से लेकर 10:30 तक आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी मैंने इसलिए लास्ट में दिया कि हिंदी थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, जिन बच्चों का थोड़ा भी मोड़ा अगर आप ठीक से पढ़ लोगे तो दोस्तों हिंदी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन मेजरली दोस्तों जो 3 सब्जेक्ट है ये थोड़ा टफ है। जीके जीएस मैंने फर्स्ट में इसलिए रखा कि सुबह सुबह जल्दी याद हो जाता है, उसके बाद दोस्तों मैंने रीजनिंग रखा है, जीके और जीएस और रीजनिंग थोड़ा सा कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। तो वो दोस्तों आप दोनों एक साथ पढ़ोगे तो आपको अच्छा हैबिट हो जाएगा। देन दोस्तों उसके बाद आपको जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा उसके बाद आपको पढ़ना है मैथ। इस शेड्यूल को आप चेंज भी कर सकते हो, कभी दोस्तों आपका रीजनिंग पढ़ने का नाम मन करे तो आप दोस्तों मैथ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के लिए दोस्तों आप आराम से बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप मैथ के लिए 10:30 बजे से 2:30 बजे तक बैठ जाओगे। फिर आपको रीजनिंग पढ़ना है, मैथ रीजनिंग आस पास में पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अलग अलग पढ़ो, ऐसा नहीं कि पहले भाई मैथ और रीजनिंग अलग अलग कर दिया, ऐसे कि पहले रीजनिंग पढ़ लिया फिर हिंदी पढ़ा, ऐसा नहीं। रीजनिंग पढ़ा तो मैथ हमें जरूर पढ़ना है। क्या होता है ना, दोनों बाप और बेटे हैं, अगर एक को आप सीख जाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैथ आप सीख गए तो रीजनिंग आप ऑटोमेटिक कर पाओगे। और भैया हिंदी के लिए तो मैंने आपको बता दिया, मस्त 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक आपको हिंदी पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मस्त से खाना पीना है, मोबाइल नहीं चलाना है, मस्त से खाना पीना है, और देन दोस्तों हमें सो जाना है आराम से। कब दोस्तों, 11 बजे तक या 11:30 बजे तक हमें सो जाना है, और फिर सुबह 5:30 बजे उठना है। और हर रोज़ दोस्तों इस मतलब टाइम टेबल को फॉलो करना है, और करीबन मैं आपको बोल रहा हूँ 20 दिन आप रगड़ के इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो। और आप लोग में से ही बच्चे बोले कि 20 दिन तो सौरभ भाई हमने इस टाइम टेबल को फॉलो किया है। और जब दोस्तों 20 दिन तक इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर लेते हो, उसके बाद देखना आपका दोस्तों एग्जाम का स्ट्रैटेजी वाइज सब चेंज हो जाएगा। जो क्वेश्चन देख के आपको सर में टेंशन होता है, जो किताब देख के आपको पढ़ने का मन नहीं करता, वो किताब देख के आपको पढ़ने का मन करेगा, और दोस्तों आपका कन्फर्म सिलेक्शन होगा। और देखिए, कोई कोचिंग, कोई सर, कोई टीचर आपका नौकरी नहीं लगा सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हो, जब तक आप अपने आप से जिद ना करो। अगर जिद नहीं है तो मेरे भाई जिंदगी में कुछ नहीं है। बात बाकी फिजिकल में जो होगा देखा जाएगा, मेडिकल में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पहले आप रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई करोगे ना। और सोच लो 58 लाख बच्चों ने अगली बार एग्जाम दिया तो इस बार कितने लाख बच्चों देंगे। तो भाई जितना धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है, तो अब की बार अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको खुद से ज्यादा करनी पड़ेगी, और जिद में पढ़ाई करना पड़ेगा। इतना तगड़ा आएगा ना कि आपका दिमाग घूम जाएगा, सौरभ भैया आपने तो जादू कर दिया, मेरा तो 30 नंबर नहीं आता, मेरा आज 120 नंबर आया है। ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ भी है। तो भाई एक चीज़ बता दूँ, जिस दिन आप जिद पे आ जाओ आपका कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई जिद पालना बहुत ज़रूरी है, और जिद ऐसे ही हवा में नहीं आती भाई। जो बच्चा एक ही नंबर, दो दो नंबर के कटा है, वहाँ आपका आंसू देखा है गिरते हुए, अपने समाज में बेइज्जती होते हुए देखा है, अपने आप को भाई गिरा हुआ महसूस किया है, उसी बच्चे को पता चले कि भाई एक नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो भी फौज की। भाई इज्जत भी है, पैसा भी है, और मैं बता दूँ देश के सम्मान के लिए खड़ा होने का मौका भी है। तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना, इस टाइम टेबल को आप फॉलो करो। और देन दोस्तों 20 दिन तक आपको फॉलो करना है, और जिद में फॉलो करना है। और जब 20 दिन तक इतना पढ़ लेते हो उसके बाद आदत हो जाता है। जब आदमी 20 दिन तक कोई जगह काम कर लेता है उसको ऑटोमेटिक आदत हो जाता है। इसके बाद जब आपको नया शेड्यूल दूंगा आपको फिर आप पढ़ोगे। और इस बीच मोबाइल, टिकटॉक, लड़की, गर्लफ्रेंड भाड़ में गए, 5 महीने तक सबको हाथ जोड़ दो, राम राम। संडे के दिन आप एक दिन छुट्टी ले सकते हो, लेकिन आप याद रखना, एक दिन आप पढ़ाई को छोड़ देते हो ना, पढ़ाई आपको 2 दिन छोड़ देता है, याद रखना। आज अगर आप मैथ का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, 2 दिन तक आपने नहीं पढ़ा, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे आपसे नहीं सॉल्व होगा, लिख के ले लो मेरे से। क्योंकि आप पढ़ाई को एक दिन छोड़ते हो, पढ़ाई आपको 2 दिन छोड़ देता है, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए संडे के दिन मेरे ख्याल से आप रिवीजन करना कुछ दिन के लिए, गर्लफ्रेंड, समाज, दोस्ती यारी सबको त्याग दो, ठीक है ना। बस अपने आप पे फोकस करो, और मतलब ही बन जाओ, अपने आप से मतलब रखो, और देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता। किसका बाप तुम्हारा सिलेक्शन रोक लेता है, आपका भाई भी यहाँ पे देख लेगा, किसी का बाप का सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बस थोड़ा पागलपन होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, और तुम पागल बनो और अबकी बार सिलेक्शन लेके दिखाओ। और आपका भाई आपके साथ है, फिर फिक्र क्या बात है, आपका भाई पूरा सपोर्ट करेगा।
आपके मोटिवेशन से लेके आपका दोस्तों दिमाग तक जो भी हो सके मैं सारा मोटिवेशन देने को तैयार हूँ। बस होपफुली आप तैयारी के लिए लग जाओ। कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई एजेंसी, कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता जब तक आप खुद के लिए पागल ना हो। अगर आप खुद के लिए पागल हो, अपने सिलेक्शन के लिए पागल हो, अपने सपनों के लिए पागल हो, तो तुम्हारा नौकरी कंफर्म होगा मेरे भाई। किसी का बाप नहीं रोक सकता। आपकी बार SSGD की 2024 की जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसमें तुम्हारा एक सीट रखा हुआ है, चाहे वो वैकेंसी कितनी भी आए, 32,000, 40,000, 45,000 या 20,000, चाहे 10,000 ही वैकेंसी क्यों ना है, लेकिन तुम्हारा एक सीट कन्फर्म रखा रहेगा। बस तुम अपने सपने के लिए पागल तो हो मेरे भाई, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारे भाई को तुम्हारे विश्वास है। बस इस टाइम टेबल को फॉलो करो और जिद में पढ़ाई करो, जान लगा दो या फिर जाने दो। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। 20 दिन के बाद फिर एक टाइम टेबल लेके आऊँगा, उस टाइम टेबल को फिर फॉलो करना है। धीरे धीरे ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करते जाना है और एक दिन ऐसा आएगा। ये अभी दोस्तों क्या है, सिर्फ सिलेबस कवर करा रहा हूँ। इसके बाद जब जैसे एग्जाम का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे अब सिलेबस नहीं पढ़ना है, उस टाइम प्रैक्टिस सेट लगाना है। जैसे इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाने का टाइम है। सिलेबस कवर करने का टाइम अभी है, तो अभी आप सिलेबस कवर करो। मैंने जितना बताया आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना, पर टॉपिक वाइज पढ़ना है। और बाद में दोस्तों इसके बाद जाके जब आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम प्रैक्टिस सेट लगाना। और देखो आपका जब तक भाई प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा उसके प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जब आप एग्जाम दोगे ना उसके बाद देखना आप लोहा बन जाओगे मेरे भाई, लोहा। कोई भाई कितना भी वार करे तुम कटने वाला नहीं, आपकी बार कन्फर्म सिलेक्शन होगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता सिलेक्शन, ठीक है, आपके भाई का पूरा विश्वास है। बस तू मेहनत करने से पीछे मत हट, तो पूरा इसको दोस्तों फॉलो करो। और देन दोस्तों नया टाइम टेबल 20 दिन के बाद आपका भाई फिर लेके आएगा। कौन कौन भाई इस टाइम टेबल को फॉलो किया है मुझे उस टाइम कमेंट करना। और जो भी बच्चा टाइम टेबल फॉलो किया अपने आप में आप खुद चेंजेस दे सकते हो। आपका जो प्रॉब्लम क्वेश्चन आप नहीं, मतलब जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उस प्रॉब्लम को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अरे आपके भाई का वादा है, अपने आप पे भरोसा रखो और दोस्तों सिलेक्शन लेना है कन्फर्म, कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन इस टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई को, हार नहीं मानना अपने सपनों के लिए। आज अगर तू खड़ा नहीं होगा ना, तो फिर तेरे सपनों के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा मेरे भाई। ये टिकटॉक रील्स, लड़की, पैसा, दारू सब वापस मिल जाएगा, लेकिन ये उम्र, ये लाइफ और ये सिचुएशन फिर से वापस नहीं मिलेगी। वैकेंसी फिर जब आएगी ना 4 साल के बाद आएगी, तो अब जब मौका मिला है तो मौका पे चौका मारना सीखो, मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को, जय श्री राम।